है जिसको यहाँ से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है एक्सरे कराने के लिए ताकि उसके 50 रुपए बच जाए, सिटी स्कैन कराने के लिए ताकि उसके 300 रुपए बच जाए, 100, 200, 300 बचाने के लिए गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम लाखों करोड़ों रुपए दे के भजन संध्या करा रहे हैं। हमें बंसी वाले चैरिटेबल ट्रस्ट रामपुरा फुल, आप सभी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इसमें सहयोग करें और इसको बनाने में, ताकि आज अगर 22 दिसंबर 2022 है तो 23 दिसंबर 2023 से पहले ये कंप्लीट हो चुका हो। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने बाबा बंसी वाला जी चैरिटेबल हस्पताल रामपुरा फुल विखे पहुंच के बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हस्पताल कमेटी वालों उन्हां दा भरवां स्वागत किया गया। कन्हैया मित्तल ने हस्पताल विखे चल रही गतिविधियां नूं वेखदिआं अपनी नेक कमाई विचों हस्पताल नूं आर्थिक मदद करन दा भरोसा दिता अते संगतां नूं भी अपील कीती कि ओह भी इस कारज विच अपना योगदान जरूर पाउण। नमस्कार, जय सियाराम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मैं कन्हैया मित्तल आज रामपुरा फुल में आया हूँ, जो कि पंजाब में बरनाला के पास बठिंडा के पास एक बीच में जगह है। हमारे आदरणीय गोलोक निवासी प्रातः स्मरणीय बाबा बंसी वाले जी, जिन्होंने अपना जीवन माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से, गिरधर के आशीर्वाद से, हरिद्वार में, वृंदावन में, हर जगह आश्रम बने, भोजनार्थ सेवा होती थी और निष्काम सेवा भोजन के साथ होती थी। आज मैं रामपुरा फुल आया, यहाँ मुझे एक उनका नया इनिशिएटिव देखने को मिला। वो पहले जब थे शारीरिक रूप से तब भोजन और भजनों की सेवा करते थे, आज जब वो शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, वैचारिक रूप से हमारे बीच है, तो उनकी विचारधारा को लेकर यहाँ बाबा बंसी वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मैं हॉस्पिटल ही कहूँगा क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस इलाके का सरकारी हॉस्पिटल के बाद ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। तो जब कोई धर्म के लिए काम होता है तो सारे धार्मिक लोग उसमें जुड़ते हैं, और जब समाज के लिए काम होता है तो सारे सामाजिक लोग उसमें जुड़ते हैं। ये बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेवार्थ है। बाबा बंसी वाले वहां से भी हाथ हिलाएंगे तो यहाँ धन के झोले भर जाएंगे और ये बन जाएगा, मगर हमें साथ देना है। मैं कन्हैया मित्तल इस हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक, एक साल कीर्तन हम ना कराएं, हमें ना बुलाइए, उसकी जगह 1 साल इसको बनाने में लगाइए, जिससे कि ये सारी उम्र रहेगा। हम तो अगले साल फिर आ जाएंगे, 1 साल नहीं आएंगे, मगर 1 साल में जब ये बन जाएगा तो यहाँ हर वो रोगी जिसको इलाज की जरूरत है, जिसको यहाँ से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है एक्सरे कराने के लिए ताकि उसके 50 रुपए बच जाए, सिटी स्कैन कराने के लिए ताकि उसके 300 रुपए बच जाए, 100, 200, 300 बचाने के लिए गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम लाखों करोड़ों रुपए दे के भजन संध्या करा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए, करें, हम प्रचार करें, भजन संध्या हो, मेरा भी काम है हो, लेकिन जहाँ इन चीज़ों की जरूरत हो। बड़ी बड़ी सिटीज पड़ी हैं, बड़े बड़े सेठ पड़े हैं, कार्यक्रम कराते रहेंगे, मगर सबसे पहले जब हमारा समाज एक दिशा की ओर चलेगा, सबसे पहले वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस बाबा बंसी वाले चैरिटेबल ट्रस्ट रामपुरा फुल, आप सभी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इसमें सहयोग करें और इसको बनाने में, ताकि आज अगर 22 दिसंबर 2022 है तो 23 दिसंबर 2023 से पहले ये कंप्लीट हो चुका हो, तब हमें आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री बोल। अज बड़ा खुशियां भरा दिन के साडे इत्थे बाबा बंसी वाला चैरिटेबल हस्पताल दे विच मशहूर भजन सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी पहुंचे। उन्होंने आके जो चैरिटेबल हस्पताल इत्थे बाबा जी दी आशीर्वाद नाल चल रहा उसका सारा देखिया, मुआयना किया, बड़ी उन्होंने खुशी महसूस की। नाल ही उन्होंने इस हस्पताल वास्ते बहुत आपके कन्नियों एक माली सहायता भी दी, नाल ही उन्होंने होर भी इस हस्पताल नूं होर अच्छा बनाने लई आपके जिन्ने भी उन्होंने चाहन वाले है इस पूरे भारत के इत्थे आले दुआले एरिए उन्होंने भी आपके वल्लों उन्होंने अपील की कि जो बाबा जी का सुपना है इस हस्पताल नूं होर वधिया तरीके दे नाल चलाउणा, भी इस नूं पूरा करन वास्ते भी वह आपका जिनी भी मदद हो सकती है वह मदद इस हस्पताल वास्ते जरूर देन, क्योंकि अज के टाइम के उन्होंने कहा कि जो यह जी संस्थावां की बहुत जरूरत है, इन संस्थावां दे इह आप सब दे सहयोग दे नाल ही चलन सकदियां, अगे जो बढ़ सकदियां। असीं इन कन्हैया मित्तल जी का आपदे संस्था वालों
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वह उन्होंने आपके इन्ने बिजी शड्यूल के समा कट के इस संस्था के पहुंचे तो इतने सारी जो मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने आपका आशीर्वाद दिता तो उन्होंने होर भी अगह तो जदों भी उन्होंने क इतने संस्था को भरोसा दिता कि जदों जदों भी इसकी जरूरत पेगी कि वह आपके कन्नियों जिन्ना भी सहयोग दे सकते वह देंगे तो जिथे जिथे भी वह उन्होंने भजन कीर्तन जा जो भी वह प्रचार इसका संस्था का करे तो जिन्ना सहयोग लोगों को हो सकया वह इस संस्था वास्ते दवाएंगे। असी पूरी संस्था वालों एक बार फिर उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दी कि उन्होंने टाइम कढ़िया इस संस्था। प्रफुल्ल दवत्तर कर रजनीश करकरा के नाल मैं भारती वर्मा।